अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते जी आन सुणियो जीउंदे वास्ते रहो। मैं सज्जाद जट। मलका तरन्नम नूर जहां होरां दी आखरी ख्वाहिश जिहड़ी उन्हां दी पूरी ना होई, जिहड़ी कि उन्हां वसीयत भी कीती सी, लेकिन उन्हां दे घर वालिआं ने उन्हां दी ओह आखरी तमन्ना जिहड़ी है पूरी ना कीती। ओह की सी वाला ओह तुहाडे नाल मैं शेयर करन लगा वां कि आखिर ओह की पैगाम सी, की गल सी जिहड़ी मलका तरन्नम नूर जहां होरी कह के गईआं अपने घर वालिआं नूं, लेकिन उन्हें क्यों पूरी ना की उन्होंने वो वसीयत, क्यों आखिरी उन्होंने तमन्ना खास पूरी ना की गई। जबकि कहें कि मरण वाले बंदे को फांसी चढ़ने वाले बंदे को भी आखिरी खास पूछ के पूछी जाती है तो अमल किया जाता। लेकिन एडा वड्डा ना बरे सगीर पाको हिंद का अदाकारी के मैदान में भी पहले नंबर से, गुलकारी के मैदान भी पहले नंबर से, रमजान उल मुबारक का महीना से जो उन्हें आखिरी तमन्ना की, लेकिन उन्होंने तमन्ना पूरी ना की गई। लो चैनल तो नवे हो, सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो, तो जो किया तो बहुत शुक्रिया। जिंदे वास्ते रहो, इस तरह दल्लां बातें सुनने वास्ते साढ़े चैनल जी घंटी है बैल आइकन उन्होंने प्रेस कर लो। बिला शुबा मलका तरन्नम मैडम नूर जहां साहिबा बहुत वड्डा ना हो फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत वड्डा ना हो अदाकारी फिर गुलकारी, लेकिन गुलकारी का उस वे चासा ही मुल्की लैवल से कहते हैं कि वह जो 65 की जंग लगी जेडे उन्होंने मिली नगमे तराने जेडे उन्होंने पड़े तो गाए कमाल कर छड़ी उन्होंने, उन्होंने वर्गा कोई नहीं सी है। फिर अजिहा ऐसा एक रब का जी होया ना कि जिन्ना जेडे जेड़ा असर हाथ देने वाला सी इस तरह वाला नहीं सी, इस तरह वाला सी लोगों का ख्याल रखना, लोगों पर खर्च करना बहुत दिल वड्डा सी मैडम उन्होंने। वो हमेशा जदों घरों निकल दिया सी ना सुबह स्टूडियो जाने वास्ते तो अपने पर्स विच बटवे विच काफ़ी नोट लैके जांदियां सी, जिहड़ा जिहड़ा मंगन वाला भिखारी नज़र आया या कोई माड़ा टैक्नीशियन कोई स्टूडियो च नज़र आया वंडदियां गईं, भर के बैग खड़ना वो बटवा अपना शाम नूं तो घर उन्हां दा खाली होना। बड़े बड़े वाकियात ने उन्हां दे अगे चल के अगे भी असीं तुहाडे नाल शेयर कीते ने, होर भी शेयर करदे रहांगे। उन्होंने वाकियात नहीं खत्म हो सकते, भले जे वाकियात चंगे वाकियात, लेकिन उन्होंने अफसोस की गल है कि एडा वड्डा ना जो दुनिया तो गया ना तो उन्होंने गुलबर्ग लाहौर वाली जी कोठी है उन्होंने सामभिया ना गया, उन्होंने जरा ना कह जा रहा कि वह वेच दिता गया। चाहिए तो यह ना कि उस कोठी हुकूमत लै लें, पैसे दे दें, जो बच्चों की एड्डी लोड़ पै गई तो पैसे दे छे उन्होंने ताकि उन्होंने एक विरसा समझ के उन्होंने सामभिया जाता, एक यादगिरी के इतने मलका तरन्नम रही रही एडा वड्डा ना पैंट के हवाले ना यार हुकूमत सामभ लेंदी है, मगर नहीं ख्याल रख्या गया, नहीं सामभिया गया। खैर चलो, फिर इस तो भी वड्डी सितम जरीफी कि उन्होंने क्योंकि वह कसूर शहर दी रहन वाली सन, कसूर दियाँ तो अल्लाह वसाई उन्हों का ना सी मैडम नूर जहां, तो फिर वह गुलकारी के मैदान च आईया तो वह जदों कराची उस वेले हस्पताल विच सन कि उन्होंने एक वसीयत की सी कि मैनू मेरे उत्थे यानी कि जम्मण भोए कसूर उत्थे ही जाके दफनाया कीता दफनाया जाए उस कब्रस्तान विच कि जिहड़ा कब्रस्तान सन उत्थे वह लागे लगता सी, मेरी यह तमन्ना है ताकि मैं जरा ना वो याद किया जाता रहे, लोग आते रह नूर जहां की धरती समझ के याद किया जाता रहे। खैर जो इन्हों की डैथ हो जाती है ना, रमजान उल मुबारक का मुकदस महीना चल रहा है, 27 रमजान उल मुबारक का दिहाड़ सी यानी 27वीं की रात जिन्हों लैला तुल कदर आते हैं कि जी हजार महीनों तो अफजल रात होंगी, उस रात जो इंतकाल होया ना उन्होंने इन्हां दे हसन मुराद इन्हां दी धी सी मलका तरन्नम नूर जहां दी हिना, उन्होंने इस दिन की फजीलत इस रात की फजीलत जानदिया उन्होंने कराची विच ही उन्होंने जरा दफन कर दिता। उन्हां दी वो तमन्ना उन्हां दी वो खास जिहड़ी ना पूरी ना की, उन्हां दी वो वसीयत जिहड़ी सी पूरी ना की। खैर उन्हां दा नजरिया उन्होंने यह समझ के किया कि लैला तुल कदर की रात है तो सोहनी रात है तो चलो असं अल्लाह के हजूर इन्हों इत जहाँ जिसम वो पेश कर दें है कबर में, तो उन्होंने अपना उन्होंने उन्होंने नीयत ही बिल्कुल साफ सी, सही सी,
बहुत आला, अल्लाह उन्हां दी खैर करे। लेकिन मलका तरन्नम ने जिहड़ी वसीयत कीती सी ना, यहां ते सी कि उत्थे एक अमानतन दफना छड़ दे उस रात की फजीलत समझ के। बादों मेरा ख्याल है कि मैडम की आ वसीयत या तमन्ना उन्हां दी ख्वाहिश जिहड़ी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश सी पूरी करनी चाहिए सी। उन्होंने जिथे कसूर पैदा हुई सी उत्थे ही लिया के उन्होंने दफनाना चाहिए सी, ताकि हमेशा जिथे जम्मन पोए हुए ना उत्थे ही कबर बने ना, तो चस फेर ही आती है, कदर फेर ही होंगी है। सच्ची जी गल है भाई। हुण किन्ने ज्यादातर तुहानूं पता है कि पंजाबी विच ज्यादा उन्होंने वो काम है ज्यादा, तो कराची कित्थे शहर इन्ना टाइम ही नहीं किसी को हुंदा कि कोई जाए तो कबर ते कौन जाता है। तो लाहौर तो इन्हों के कसूर फिर लाहौर लग गए सी, इन्हां दी फैमिलियां सारे जनाब वाली खानदान रिश्तेदार इत्थे ज्यादा आबाद, चाहिदा यह सी कि उन्होंने लिया के इत्थे दफनाया जाता, ताकि जदों कोई याद करता कहिंदे यार कि नूरजहां कसूर दी सी, यार उहदी कबर भी कसूर ही, चलिए उहदी कबर ते फैते आके आईए। मेरे हिसाब नाल आ काम जिहड़ा ना ठीक नहीं होया, ते जदकि मरण वाले की तमन्ना खास जिहड़ी है ना वसीयत वो पूरी करनी चाहीदी। यह उन्हां दी आखिरी तमन्ना सी मलका तरन्नम नूरजहां उन्हां दी जिहड़ी पूरी ना हुई। लेकिन मैं ये नहीं कहिंदा कि उन्हां दी धी ने गलत किया, उन्होंने अपनी जगह तो ठीक किया, लेकिन साडा एक दिल कहिंदा कि यार भावें मानतन दफना दे या जो भी सी उन्होंने दफनाना उन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक कसूर चाहिए सी। इहदे बारे सुने तुहाडी राय की कमेंट सैक्शन में जरूर दस्यो। बस दुआ है कि अल्लाह सोना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां दे सदके, आप दी आल दे सदके, पंज तन पाक दे सदके मालक उन्होंने माफ करके मैडम होरां नूं उन्होंने जन्नत अल फरदौस विच सोना कर दे। अल्लाह पाक उन्हां ते रहमत करे, उन्हां दे पिछलियां दे अल्लाह सोना अपनी रहमत करे, जिउंदे वसदे रहो। इस तरह का कोई छेती होर वाकया तुहाडे तक लियावांगे, रब सोना तुहाडियां खैरां करे जी। फिर रब राखा।